हेलो एवरीवन, सो आज हम देखने वाले ऑल क्रिटिकल एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज ऑफ इंडिया। जो इंडिया में जितने भी स्पीसीज है क्रिटिकली एंडेंजर्ड आईयूसीएन लिस्ट में, वो सभी आज एक ही सेशन में आज कंप्लीटली हम देख लेंगे, जिसमें कई बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे हैं। तो इवन डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर उनके नेशनल पार्कों से उन स्पीसीज के हैबिटेट एग्जैक्टली कौन सा है, तो इस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन देखे गए, जो आगे हम हर एक स्पीसीज जैसे जैसे आएगा तो उसके साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे, सो दैट आपको अंडरस्टैंड हुआ कि एग्जैक्टली इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्टिंग कौन करता है, तो ये आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो कंप्लीटली 9 कैटेगरीज में एनिमल्स के हैबिटेट या उनका किस प्रकार से एनवायरमेंट में लेवल है या उनकी संख्या भी कितनी बच चुकी है, उसके अकॉर्डिंगली 9 कैटेगरीज में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये जो आईयूसीएन संस्था है 1948 में एस्टेब्लिश हुई थी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, जो एक प्रकार से कंप्लीट फील्ड प्रोजेक्ट्स रन करती है और हैबिटेट एंड स्पीसीज के कंजर्वेशन कितने हैं, कैसा है, या थ्रू आउट द वर्ल्ड इसका एक कंजर्वेशन प्रोग्राम रन करता है। इवन इंडिया में भी इसका ऑफिस आता है दिल्ली में, तो इंडिया में भी जो स्पीसीज है उनके स्टडीज भी आईयूसीएन के द्वारा चलते हैं। इवन दिस आईयूसीएन हैज कंसल्टेटिव स्टेटस इन यूनाइटेड नेशन, बट मेक श्योर दैट कि आईयूसीएन ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है या फिर ये आईयूसीएन अंडर यूनाइटेड नेशन नहीं आता है, ये जब सिर्फ कंसल्टेटिव स्टेटस का ही काम करता है। तो ये जो आईयूसीएन है, तो ये एनिमल्स एंड फ्लोरा, मतलब याद रखें कि फ्लोरा एंड फौना है ना, सो ये दोनों स्पीसीज को भी, एनिमल हो या प्लांट स्पीसीज, दोनों को भी रेड लिस्ट में डिसाइड करते हैं कि कौन सा, किसको कैसा थ्रेट है, उसके अकॉर्डिंगली उसको उस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो 9 कैटेगरीज में आप देख सकते हो कि जिसमें 4 ऐसी है कि जहां पे शायद नंबर अच्छा है या फिर उतना डेटा उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ 4 कैटेगरीज है, नियर थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न, डेटा डिफिशिएंट है, नॉट इवैल्यूएटेड। थर्ड आती है कि ये 3 आते हैं जिसमें थ्रेटन स्पीसीज आती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। तो इसमें थ्रेटन स्पीसीज होती है जहां पे मतलब अभी उनको थ्रेट हो रहा है और इनको थ्रेट होने से पहले ही हमें, मतलब बहुत ज्यादा एक्सटेंट लेवल जाने से पहले हमें इनको कंजर्व करना है। तो जितना आप इस साइड में जा रहे हो, मतलब वल्नरेबल टू एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो दैट इज कि जो थ्रेट है उनको वो और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। जैसे कोई एनिमल क्रिटिकल एंडेंजर्ड पे आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट वो खत्म होने की कगार पे है। जैसे एक्सटिंक्ट, नेक्स्ट लेवल, दो कैटेगरीज, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब कंप्लीटली वाइल्ड लाइफ में खत्म हो जाना, उनके नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व होगा या इंसिटू कोई भी उनका एरिया है जहां पे उनके नंबर कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं, उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एंड एक्सटिंक्ट मतलब चाहे जू, लैब, सब तरफ से अगर नष्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। तो ये एक्सटिंक्ट कैटेगरी में जाने से पहले अगर कोई बॉर्डर लाइन होगी तो दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको कंजर्व करें तो ठीक है, अदरवाइज ये खत्म हो सकता है। सो दैट्स वाई इन स्पीसीज को अपने आप में ही एक इंपॉर्टेंस रहता है कंजर्वेशन के लिए, तो इसलिए हम इन्हीं स्पीसीज को देखेंगे। अदरवाइज अगर नहीं किया गया तो फिर आप देख रहे हो कि कुछ स्पीसीज वर्ल्ड में थी कि जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इससे भी कई गुना ज्यादा है। और बट हमने इसमें से कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, देखो कि जैसे डोडो नाम से एक थी जो अंडमान निकोबार एंड श्रीलंका है ना, इवन लक्षद्वीप के आसपास काफी अच्छी ये स्पीसीज आप देख पा रहे हो, बट अभी ये कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देन चाइनीज पैडल फिश, देन टास्मानियन टाइगर, ऐसे डिफरेंट पिजन एंड इमू वगैरह के स्पीसीज थे, बट अभी वो भी खत्म हो चुके हैं। तो इसलिए ये एक्सटिंक्ट नहीं होने चाहिए, इसलिए हम इसको जितना हो सकता है हाई लेवल पे कंजर्वेशन इन कैटेगरीज के थ्रू करते हैं जो थ्रेटन लिस्ट में है। देन आफ्टर दैट अगर इनके क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड हम इसको कब कहेंगे, तो बेसिकली उनका पॉपुलेशन अगर 80 to 90% से अगर डिक्लाइन हुआ है लास्ट 10 सालों में और 3 जनरेशन अगर इनके लॉस्ट हो चुके हैं, तो इनको हम कहेंगे कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड में लेके आ सकते हैं। या उनका एरिया, भले पॉपुलेशन अगर 250 इंडिविजुअल भी बचा है, भले 80-90%, बट अगर कोई 100 ही स्पीसीज है, अगर वो 50% भी लॉस होती है, मतलब इसका मतलब वो 50 ही बची है, तो अगर सिर्फ 50 कोई स्पीसीज बचती है तो भले लॉस उसका 50% ही था, बट नंबर बहुत कम है। तो अगर कोई स्पीसीज साइज लेस देन 250 इंडिविजुअल है तो भी हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट वेरी स्मॉल रेस्ट्रिक्टेड पॉपुलेशन है या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन है, कि जहां पे उनकी संभावना है कि आज नहीं इनका परसेंटेज डिक्लाइन नहीं हुआ है बट कल जाके हो सकता है। तो फिर अगर प्रोबेबिलिटी भी होगी ऐसे, या इनका बहुत ही लिमिटेड अवेबिलिटी है उस स्पीसीज की, कुछ जगह पे ही एंडेमिक है, तो फिर हम उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। बट नेसेसरी नहीं कि वो स्पीसीज एंडेमिक ही होनी चाहिए, हम यहाँ पे क्लियरली सबको देखना है कि थ्रेट को देख रहे हैं, तो कोई भी स्पीसीज को जितना ज्यादा थ्रेट होगा या जितना ज्यादा ना धोखा होगा तो उतना हम इस लिस्ट में उसको ऊपर ऊपर के लेवल पे रखेंगे। तो ऐसे फिर हम मैमल्स पहले देखेंगे, फिर बर्ड्स के स्पीसीज देखने वाले, फिर उसके बाद हम रेप्टाइल्स वगैरह अदर स्पीसीज देखेंगे एंड कुछ कोरल के भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैमल्स में देखा जाए तो ये आपके सामने लिस्ट है, डिफरेंट श्रू के टाइप है, एल्बिन रैट है, नामदापा फ्लाइंग स्क्वेरल है, देन हंगुल एंड पिग्मी हॉक जो पहले था बट अभी उसको निकाल दिया गया, तो उसके बारे में भी हम अपडेट लेने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हंगुल कश्मीरी स्टैग, जिसको हम कहते हैं कश्मीरी रेड स्टैग, जो कि एक स्टेट एनिमल भी है जम्मू कश्मीर का, तो इनके नंबर काफी कम हो गए थे जम्मू कश्मीर में एंड आज भी कम ही है, बट तभी भी हमने इनको कंजर्व करने के लिए 1970s में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एंड IUCN एंड WWF ने मिलकर प्रोजेक्ट हंगुल स्टार्ट किया था, तो तब जाके थोड़े बहुत नंबर इंक्रीज हुए थे, बट स्टिल इट इज अंडर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी। सो इट इज अ सबस्पीसीज ऑफ सेंट्रल एशियन रेड डियर दैट इज नेटिव टू नॉर्दर्न इंडिया। एंड आज के डेट में क्या सिर्फ ये इंडिया में बचे हैं? तो बिल्कुल, हंगुल सिर्फ अभी इंडिया में बचा एंड वो भी जम्मू कश्मीर में। मतलब पहले था कि हिमाचल प्रदेश, सिंध वैली, दाचीगम, किश्तवाड़, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स थे, बट अब आज के डेट में देखा जाए तो जो भी लिमिटेड नंबर है वो सिर्फ दाचीगम ने बच चुके हैं। राइट नाउ इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो याद रखें, स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू कश्मीर काश्मीरी स्टैग, रेड स्टैग या हंगुल, सिंपली इट इज ऑल्सो नोन एज हंगुल। सेकेंड स्पीसीज है देखो अंडमान व्हाइट टूथ श्रू नाम से आती है, जो कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड और एक थोड़ा रैट जैसे एकदम स्मॉल स्पीसीज ये है, बहुत सेंसिटिव होती है एनवायरमेंटल चेंजेस को या हैबिटेट लॉसेस को। तो ये सेकंड है अंडमान व्हाइट टूथ श्रू। और एक श्रू है देखो जो निकोबार में हम देख सकते हैं, एक जेनकिन अंडमान स्पाइनी श्रू एंड निकोबारी श्रू। तो टोटल ऐसे श्रू के 3 स्पीसीज आते हैं। एक अंडमान श्रू देखा हमने, अंडमान स्पाइनी श्रू नाम से एक आता है, और एक निकोबार श्रू। सो दिस ऑल एंडेमिक टू ग्रेट निकोबार या अंडमान। जो हमने दूसरे देखे वो बाकी अंडमान में, बट निकोबार श्रू अगर देखा जाए विच इज एंडेमिक। एंडेमिक मतलब क्या है कि जो सिर्फ वहां पे ही मिलेंगे, बाकी कहीं पे नहीं मिलेंगे, राइट? सो दोज आर एंडेमिक। देन आफ्टर दैट ये 3 स्पीसीज हो गए श्रू के। तो एक हंगुल हमने देखा, उसके बाद आते हैं नामधापा फ्लाइंग स्क्वेरल। ये भी एंडेमिक है अरुणाचल प्रदेश में। नामधापा फ्लाइंग स्क्वेरल इज एन आर्बोरियल, आर्बोरियल मतलब जो ज्यादा टाइम अपना पेड़ पे स्पेंड करते हैं, अगर देखा जाए तो ट्रीज के ब्रांचेस में स्पेंड करते हैं, तो उनको कहते हैं आर्बोरियल। नॉक्टर्नल मतलब जो नाइट टाइम में ज्यादातर अपने हंटिंग वगैरह करते या अपना मेन एक्टिविटी करते हैं, सो दैट इज नॉक्टर्नल फ्लाइंग स्क्वेरल। तो ये एंडेमिक है अरुणाचल प्रदेश में, सिर्फ अरुणाचल में मिलता है। तो नामधापा एक काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसपे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो नामधापा नेशनल पार्क है तो बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क विल हैव ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब टेम्परेट, इवन अल्पाइन, मतलब एक ही जगह पे अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन मिलता है, ऐसा कौन सा है? मतलब देख पा रहे हो आप, है ना, कि अल्टीट्यूड की वजह से भी एक ही जगह पे आपको मल्टीपल फॉरेस्ट वगैरह मिल सकते हैं या वेजिटेशन के टाइप मिल सकते हैं। तो ऐसा बहुत ही यूनिक लोकेशन पैलियाटिक एंड इंडोमलायन। इंडोमलायन मतलब ट्रॉपिकल वाले फॉरेस्ट एंड पैलियाटिक मतलब थोड़ा अल्पाइन काइंड ऑफ फॉरेस्ट, राइट? तो एक ही जगह पे मिलता है, वो है नामधापा, जो आता है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखे, यहीं पे देख सकते हो आप ईस्ट की तरफ, तो दैट इज नामधापा। सो देख लो, तो ये पैलियाटिक प्लस इंडोमलायन ऐसे दोनों भी एरिया में आता है। एंड यहाँ पे स्पीसीज कौन सी फेमस है तो नामदापा फ्लाइंग स्क्वायर। बढ़ते आगे, नेक्स्ट है एलवेरा रैट नाम से आती है जो ईस्टर्न घाट में काफी फेमस है, तो देख ले एलवेरा रैट है ना, इट इज फेमस इन ईस्टर्न घाट। बट अब जो बच्चे हैं नंबर फाउंड ओनली इन तमिलनाडु है ना, तो अब जो भी नंबर बच्चे हैं तो वो तमिलनाडु में बच्चे है एलवेरा रैट क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नेक्स्ट हमने ये दोनों श्रू के टाइप देखे। आगे बढ़ते चाइनीज पैंगोलिन। पैंगोलिन पता है सबको कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई स्पीसीज थ्रेट में है पोचिंग, हंटिंग या इलीगल स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग ट्रेड एक्सेट्रा, तो वो है पैंगोलिन। क्योंकि आप जानते हो कि इनका पैंगोलिन का जो यूज है वो कई अलग मेडिसिनल पर्पज हो या जैसे कि लेदर बैग्स बनानी है, शूज है कुछ, या इनके स्केल्स भी रखना एक नेपाल वगैरह में, भूटान में देखा जाए तो एक लक चाम माना जाता है, राइट। और इनका मीट भी कंज्यूम किया जाता है बाय सम ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन या चाइना से, है ना। तो चाइना में मतलब इसको एज अ डेलिकेसी देखते हैं, बट विच इज नॉट गुड, मतलब इसी वजह से इसका ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होता है। तो एवरी ईयर आप देखोगे इंडिया में भी मतलब नॉर्थ ईस्ट से काफी ज्यादा ट्रैफिकिंग होके ये चाइना या बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है इलीगली। सो लगभग देख सकते हो आप यहाँ पे नंबर्स कुछ आपके सामने। तो इंडिया में तभी भी एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसमें शेड्यूल 1 में हम देखते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, पनिशेबल फॉर अप टू 7 ईयर्स है अगर ऐसा कोई पकड़ा जाता है तो। बट तभी भी ये इलीगल ट्रेडिंग वगैरह चल रहा है, तो इसी वजह से इनके नंबर्स जो है वो काफी कम हो चुके हैं। अब ये इलीगल ट्रेडिंग क्यों होता है तो बिकॉज माना जाता है कि इनमें मेडिसिनल कुछ एलिमेंट्स होता है, या जैसे कि कैंसर, स्टमक, एस्थमा, है ना, अलग अलग डिसीजेस के लिए ये क्यूर माने जाते हैं। एंड सेकेंड है कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन होगा, या फिर नेपाल में जैसे मैंने आपको बताया कि गुड लक चार्म्स के लिए भी इसको रखा जाता है, वट एवर। बट इंडिया में जो देखो, वर्ल्ड में वैसे बहुत सारे पैंगोलिन के स्पीसीज है, बट इंडिया में जो मिलते हैं वो है 2। तो मेन हमारे कंप्लीट मतलब मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडियन पैंगोलिन, जिनके नंबर अच्छे खासे है, दैट इज नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। तो ध्यान से पढ़ना आपको, नॉर्थ ईस्ट में जो मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, राइट, वो है चाइनीज प्रकार के पैंगोलिन, तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और बाकी इंडियन पैंगोलिन के नंबर काफी अच्छे खासे, जो शिवालिक के साउथ में काफी सारे स्टेट्स में मिलता है, राइट। बाकी फिर अफ्रीका में भी जेंट, ब्लैक बेलिड, व्हाइट बेलिड, ऐसे कुछ अलग अलग ग्राउंड पैंगोलिन वगैरह स्पीसीज आती है। Then after that, एशिया में देखा जाए तो फिलीपींस, चाइनीज, सुंदा एंड इंडियन पैंगोलिन, ऐसे कुछ स्पीसीज है पैंगोलिन के, ठीक है। तो देख लेना इसको। तो इट इज ओनली इंडिया में अगर देखा जाए तो ये इंडिया में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं, बाकी फिर चाइना में मिलते हैं, दैट इज चाइनीज पैंगोलिन। देन नेक्स्ट है मलाबार लार्ज स्पॉटेड सिवेट, या मलाबार सिवेट भी आप इन शॉर्ट कह सकते हो, जो सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। मलाबार से भी आप लॉजिक लगा सकते हो, मलाबार मीन्स द कोस्टल पार्ट ऑफ केरला, है ना, एंड थोड़ा सा कर्नाटक में भी एक्सटेंड करता है। तो ये है मलाबार स्पॉटेड सिवेट, ओके, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, राइट। तो ये थे हमारे पूरे मैमल के स्पीसीज जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में है। तो बस इसको रिवाइज करो, फिर याद रहेगा। सेकंड आते हैं बर्ड्स पे। तो बर्ड्स में लगभग 15 स्पीसीज है, जितनी इंपॉर्टेंट है हम उनको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन के साथ देखते हैं, बाकी जस्ट पिक्चर देख लेते हैं। और आप कोशिश करो कि नाम थोड़े से आसपास तो भी याद रखें। तो फर्स्ट एक सबसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड में भी आते हैं, दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसपे देखो यूपीएससी ने भी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा था कि 2020 का ग्रेट इंडियन इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क जो राजस्थान में मिलता है, तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट में है, या वहां पे कोई ह्यूमन हैबिटेशन है या नहीं है, राइट, या इट इज वन ऑफ द नेशनल हैबिटेट फॉर द दिस क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज ना। तो काफी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते कि ये स्पीसीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या नहीं है। तो उसको आपको ऑब्जर्व करना होगा, उस स्पीसीज को आपको एनालाइज करना होगा कि वो कहाँ मिलते हैं, कहाँ एंडेमिक है, कहाँ कौन से वेजिटेशन है, उनको क्या क्लाइमेट लगता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, यस, कमेंट में आप बता सकते हो। तो यस, 2 डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर बारमेर सही है, एंड ऑब्वियसली जैसलमेर बारमेर में कुछ पॉपुलेशन सेटलमेंट, तो सेकंड रॉन्ग है, बट थर्ड इज करेक्ट, है ना। तो इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो राजस्थान के वेस्ट की तरफ आता है। मतलब कुछ पाकिस्तान में भी नंबर बाकी थे, बट पाकिस्तान में भी इलीगल पोचिंग हंटिंग की वजह से वो काफी कम हो चुके हैं। जो बचे हैं वो डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ राजस्थान एंड थोड़े बहुत रन ऑफ कच्छ में कभी कभार साइटिंग उनका हो जाता है। तो बस इसको याद रखें, डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। दिख रहा है ये दो डिस्ट्रिक्ट में आता है, जैसलमेर एंड बाड़मेर में आता है। एंड फिर यहाँ पे दिख रहा है क्रिटिकली दिस फाउंड ओनली इन इंडिया नाउ। नेक्स्ट है बंगाल फ्लोरिकन, ये भी काफी फेमस है वेस्ट बंगाल वगैरह के कुछ वेटलैंड्स वगैरह या बाकी भी कुछ वेटलैंड्स में वगैरह मिलता है। सेकेंड है काफी बड़ी एक माइग्रेटरी स्पीसीज है साइबेरियन क्रेन, जो विंटर में फ्रॉम साइबेरिया रशिया से इंडिया या बाकी कंट्रीज की तरफ वेटलैंड की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो ये है साइबेरियन क्रेन। मतलब जैसे कि अब रिसेंटली देखो केवलादेव घाना में इनके नंबर ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, बट बाकी इंडिया के पार्ट में इनको कंजर्व करके इनके माइग्रेशन को कंजर्व किया जा रहा है। राइट, मतलब जहां पे ये आते हैं उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बट केवलादेव घाना नेशनल पार्क है ना, यहाँ पे पहले बहुत अच्छे साइबेरियन क्रेन्स वगैरह आते थे, बट अभी ऑलमोस्ट है ना एंड हो चुके, मतलब वो बहुत ही कम हो चुके हैं। तो इसलिए केस इनको टारगेट किया जा रहा है कि इंडिया में इनको अच्छे से कंजर्व किया जा रहा है। नेक्स्ट है बेल्स पोचर्ड नाम से आती है, फॉरेस्ट ओलेट आता है, स्पूनबिल्ड सैंड पाइपर एक है। देन आफ्टर दैट सोशिएबल लैपिंग नाम से एक है, जेडन्स कॉर्सर नाम से एक आती है, एंड वल्चर। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट है देखो मैं वहां पे थोड़ा सा रुक रहा हूं, तो वो भी आप भी उसको थोड़ा इंपॉर्टेंट करके स्टार कर सकते हो। सो दैट इज वाइट बैक्ड वल्चर, देन आफ्टर दैट रेड हेडेड वल्चर, ये दो वल्चर, व्हाइट बैक्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, देन आफ्टर दैट स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड इंडियन वल्चर। ठीक है, तो ऐसे चार वल्चर जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वो है व्हाइट बैक्ड वल्चर, देन रेड हेडेड वल्चर, देन स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड इंडियन वल्चर। राइट, तो इन चार स्पीसीज को याद रखें, जो वल्चर के वैसे तो इंडिया में लगभग 9 स्पीसीज आती है, बट इसमें से ये चार क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, व्हाइट बैक्ड, रेड हेडेड, स्लेंडर बिल्ड एंड इंडियन वल्चर। ठीक है, उसके बाद ये स्लेंडर बिल्ड तो हमने चलो देख लिया। ये व्हाइट बेलिड हेरॉन नाम से भी एक स्पीसीज आती है, वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देन आफ्टर दैट हिमालयन क्वेल तो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन पे कगार पे है, क्योंकि इनके नंबर बहुत कम बच चुके हैं, दैट इज हिमालयन क्वेल। देन आफ्टर दैट पिंक हेडेड डक नाम से एक आता है। तो दिस आर द ऑल बर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं फिर अभी रेप्टाइल्स में। तो घरियाल, डिफरेंट टर्टल है एंड सम गेको वगैरह के स्पीसीज आते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट वन। तो घरियाल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे इंडिया में आप जानते हो कि क्रोकोडाइल के लगभग 3 प्रकार मिलते हैं, जैसे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, right? तो that is the saltwater crocodile. Then after that मगर crocodile and तीसरी आती है this घरियाल। तो saltwater crocodile हमारे कोस्टल पार्ट में जैसे सुंदरबन एंड भितरकनिका उड़ीसा में मिलता है। मगर देखा जाए तो मोस्टली रिवर के पास, रिवर के एरियाज में मिलता है। देन घरियाल इज ऑल्सो रिवराइन, ये क्रोकोडाइल है, राइट? तो वैसे ये दोनों काफी लार्ज या ब्रॉड होती है, एंड घरियाल ये ज्यादा ब्रॉड नहीं होती, ज्यादा बड़ी नहीं होती, बट लंबी होती है। मतलब ऑल जितने भी क्रोकोडाइल के टाइप्स है, तो उसमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन है? तो घरियाल है। तो इनका देखो घरियाल मतलब ये क्या है कि है ना, घड़े जैसा माउथ होता है, इसलिए इनको घरियाल कहा जाता है। एंड इनको कहते हैं फिश ईटिंग, है ना, मतलब इनको बेसिकली ये ज्यादातर फिश ही खाते हैं, राइट? तो इनको फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी कहा जाता है, एंड जो काफी मतलब ज्यादा हार्म नहीं करते, बट मोस्टली आइसोलेटेड वगैरह होते हैं ज्यादातर। एंड दिस इज फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, बट इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जिनके हैबिटेट अगर आप देखोगे तो इंडिया में पहले बहुत अच्छा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड था, बट अब बहुत ही लिमिटेड। जैसे कि एक चंबल सबसे इंपॉर्टेंट है। चंबल में तो हमने घरियाल सेंचुरी भी डिक्लेयर करके रखी है, राइट, जिसको हम काफी अच्छे लेवल पे कंजर्व कर रहे हैं। वैसे पहले अगर देखा जाए तो ये सतलज से लेके ब्रह्मपुत्रा तक पूरे इस इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में काफी अच्छे मिलते थे, इवन महानदी तक मिलते थे। बट अभी जो नंबर बचे वो चंबल है, फिर उसके बाद केन एंड शोन, चंबल, केन, शोन, एंड अभी रिसेंटली घाघरा में कुछ इंट्रोडक्शन किया है घरियाल्स का कंजर्वेशन के लिए, राइट? तो हार्डली ये 2-3 रीजन बचे कि जहां पे घरियाल हम कंजर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है हॉक्सबिल टर्टल। देख लो, हॉक्सबिल नाम से एक टर्टल आती है। आफ्टर दैट लेदरबैक टर्टल, अब जो कि पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड था बट अभी हमने हटा दिया है, तभी भी इसलिए मैं शो कर रहा हूँ क्योंकि अभी करंट अफेयर्स चल रहा है इसके रिलेटेड, तो इम्पोर्टेंट है। जैसे ग्रेट निकोबार में ये काफी अच्छे मिलते हैं, जो सबसे साउथ का अंडमान निकोबार का पार्ट है, वहां पे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एक रिसेंटली हम स्टार्ट कर रहे थे बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया। तो बेसिकली इस टर्टल को भी थ्रेट हो सकता है उस प्रोजेक्ट से, तो कहीं ना कहीं वो भी पॉइंट देख लो। ग्रेट निकोबार में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो हो रहा है वो क्या है, और इससे शोम्पेन ट्राइबल कम्युनिटी या फिर ऐसे स्पीसीज जो यहाँ पे काफी यूनिकली मिलता है, वैसे सिर्फ ये इंडिया में नहीं मिलता, ये बाकी भी सीज ओशन में मिलते हैं, बट इंडिया में काफी अच्छी पॉपुलेशन है इन द ग्रेट निकोबार पार्ट, राइट। तो ये टर्टल वैसे देखी जाए तो टर्टल साइज में काफी छोटी होती है, ज्यादातर टाइम अपना सी या ओशन में स्पेंड करते हैं। टॉर्टोइज जो होते हैं वो ज्यादातर टाइम अपना लैंड एरियाज में स्पेंड करते हैं और साइज में बड़े होते हैं। तो बेसिकली ये टॉर्टोइज जैसे लगता है बट इट इज अ टर्टल, है ना। याद रखिए ये क्या है, टर्टल है, और टर्टल यूजुअली छोटे होते हैं बट ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट टर्टल है एंड विच इज नोन एज लेदरबैक टर्टल। सो इट इज ऑलमोस्ट, मतलब इनकी लेंथ वगैरह भी देखो काफी बड़ी होती है एंड वेट भी 500 किलो तक भी हो सकता है। ओके तो अभी हमने इनको काफी अच्छे से कंजर्व किया पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो बाकी कंट्रीज ने भी, इसलिए अभी वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड से अब इनका टैग है ना, मतलब डाउनग्रेड करके वल्नरेबल लेके आए, एंड दैट इज द गुड थिंग, राइट। बट वही है कि फिर से और धोखा ना हो जाए प्रोजेक्ट्स वगैरह से, तो नहीं तो फिर से ये वल्नरेबल टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड आ सकते हैं, इसलिए इनको कंजर्व किया जा रहा है। जैसे देखो 2013 में क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर एंडेंजर्ड, है ना, तो 13 के आसपास तब ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में थे। सो दिस ऑल आर दैट टाइम इट वाज एंडेंजर्ड, जैसे आज के डेट में ये वल्नरेबल है लगभग लास्ट दो वाले, एंड घरियाल तो अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड बन चुकी है, मतलब जो कि कंजर्व नहीं हुआ, उल्टा उसको लॉसेस ज्यादा हुए थे, ठीक है। बट आज उस टाइम पे ये तीनों भी सही आंसर्स थे, राइट। तो इसलिए अपडेट रहो, आज का जो लेक्चर है तो वो कल जाके वो स्पीसीज अलग और भी चेंज हो सकते हैं, तो उसमें प्लीज अपडेटेड रहना, ठीक है। नेक्स्ट है बटागुर बस्का, काफी रिवर्स में आसाम वगैरह या जो हुगली वगैरह का पार्ट है वहां पे ये काफी सारे मिलते हैं। रिवर टेरापिन या फोर टोड रिवर टेरापिन बटागुर बस्का भी कहता है। सो ये काफी फेमस है रिवर्स में वगैरह, राइट, बट इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड नाउ। इवन बंगाल में और एक मिलती है रेड क्राउंड रूफ टर्टल, द बंगाल रूफ टर्टल, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड बन चुकी है, जैसे क्राउन जैसा थोड़ा सा इसका फेस का अपीयरेंस दिखता है। नेक्स्ट है, ये भी पहले गेको का स्पीसीज था जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड था बट नाउ इट इज नॉट थ्रेटेंड, तो इसलिए इसको भी निकाल देना है। देन आफ्टर दैट आते हैं कोरल्स। कोरल पता है तो वैसे तो कोरल्स पे है ना बहुत ही कम ऐसा पॉसिबल है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या नहीं है, बट स्टिल एक कोरल इंडिया में जो रिसेंटली थोड़ा न्यूज में भी थी और जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुकी है, एंड दिस इज फायर कोरल, है ना, जो लगभग फायर जैसा उसका अपीयरेंस है, इंडियन ओशन बे ऑफ बंगाल में मिलता है, विच इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड फायर कोरल। देन नेक्स्ट आते हैं फिश, कुछ फिश के स्पीसीज है, अब बहुत ज्यादा इसमें जाना नहीं है बट कुछ स्पीसीज ऐसे की जो ना काफी इंपॉर्टेंट बन सकती है, तो वही हम देखेंगे, जैसे कि गंगा शार्क, है ना। हम मतलब गंगा में शार्क, अभी तक डॉल्फिन देख रहे थे बट यस पहले ऐसा भी था कि शार्क भी मिलते थे, राइट, गंगा रिवर में, बट अब ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में जो गंगा का स्ट्रेच है वहां पे ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बट जो बचे हैं वो अभी पद्मा, गंगा का जो बांग्लादेश में एक्सटेंडेड पार्ट है दैट इज नोन एज पद्मा, तो वहां पे थोड़े बहुत आपको शार्क मिल जाएंगे, राइट, एंड ब्रह्मपुत्रा में भी थोड़े बहुत मिलते हैं। तो आज की डेट में थोड़ा इंडिया बांग्लादेश हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे गंगा की जो शार्क है वो मिलती है, बट इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब काफी सारे स्पीसीज इसके लॉस्ट हो चुके हैं। बट गंगा डॉल्फिन आता है तो फिर समझ लेना कि वो आइदर एंडेंजर्ड और वल्नरेबल में आते हैं, आप बाद में उसको चेक कर लेना, बट गंगा शार्क इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। देन पांडिचेरी शार्क नाम से एक आती है, वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देन ये लास्ट टूथ सॉफिश वगैरह दिखता है थोड़ा गल्फ ऑफ मन्नार या फिर लक्षद्वीप वगैरह के आसपास, तो ये सॉफिश मतलब ये लगभग 2-3 प्रकार के सॉफिश देखो कि जिसमें हमने देखा लास्ट टूथ सॉफिश, नाइफ टूथ एंड लॉन्ग कोम सॉफिश। तो ये सॉफिश थोड़ा सा मुझे लगता है एक वर्ड सिंगल याद रख लो, सॉफिश मतलब ये काफी बड़ा स्वॉर्ड जैसे इनका एक अपीयरेंस होता है माउथ का, तो उसको ये सॉफिश होता है, राइट, ठीक है। तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो इसी प्रकार से देखो ये सारे स्पीसीज थे जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया में मिलता है बेसिकली, राइट। तो देखो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट IUCN पे भी आ सकता है जो 2015 में देखो एक क्वेश्चन था, ट्राई करो इसको। तो IUCN इज अ ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, क्या ऐसा है ये? नो, मैंने पहले ही बताया था IUCN इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्गन, मतलब वो यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है क्या? नहीं है, यूनाइटेड नेशन से निकला नहीं, वो इंडिविजुअल एक संस्था है, वो अपना अपना काम कर रही है, बस वो एक कंसल्टेशन या एक गाइडेंस देने का काम यूनाइटेड नेशन को करते हैं, बट वो IUCN यूनाइटेड नेशन का पार्ट है क्या? नो। इफ यू एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 1 तो एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 2 और 3, ठीक है। तो 2 बाद में आप देख लेना, देखो हमने देखा ना एज इट इज आया था, देखो IUCN रन्स थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट, है ना, कि जो वहां पे जाके देखेंगे कि प्रॉपर इस स्पीसीज को कितना प्रोटेक्शन चाहिए या कितना एनिमल, कितना ये फ्लोरा स्पीसीज कितने थ्रेट में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे क्वेश्चन आते देखो। बाद में रेड डेटा बुक, है ना, अभी हमने देखा ना रेड लिस्ट, इसमें किसका लिस्टिंग हमने देखा? फ्लोरा एंड फाउना, जिनको 9 कैटेगरीज में हमने डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए देखा, नॉट थ्रेटन, डेटा डिफिशियंट या फिर वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, है ना। तो ऐसे अलग अलग हमने देखा। तो ये रेड डेटा बुक जो है, तो इसमें क्या होता है? फ्लोरा एंड फाउना की स्पीसीज है तो देखता है। तो इसमें यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा मैंने कहा क्या कि एंडेमिक ही होने चाहिए, नहीं, ऐसा नेसेसरी नहीं है। वहां पे मतलब जैसे कि अभी हम चाइनीज पैंगोलिन देख रहे हैं, तो वो सिर्फ इंडिया में ही मिलता है तो ही हम इसको लिस्टिंग करेंगे क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। वो चाइना में भी मिल सकते हैं, अदर साउथ ईस्ट एशिया में मिल सकते हैं। सो दैट्स वाई एंडेमिक ये क्राइटेरिया है ही नहीं। यहाँ पे सिंपल एक क्राइटेरिया है, थ्रेटन प्लांट स्पीसीज, राइट। तो इसलिए पहला रॉन्ग है। एंड इफ यू एलिमिनेट फर्स्ट, देखो 2 तो यहाँ पे दिख रहा है। एंड प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन, यस, देखो कैटेगरी को डिक्लेयर करता है IUCN, कैटेगरी 2 में नेशनल पार्क बोलता है, कैटेगरी 4 में सेंचुरी बोलता है, बट सबको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा है, रेड डेटा बुक या रेड डेटा लिस्ट, राइट, रेड लिस्ट, तो उसमें से फ्लोरा एंड फाउना को ही लिखते हैं, राइट, ना कि प्रोटेक्टेड साइट। प्रोटेक्टेड साइट मतलब नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, है ना, तो इनको नहीं करते। ओके, तो दैट्स व्हाई आंसर इज 2 ओनली। इसके बाद देखो अभी हमने देखा कि नेचुरली सिर्फ इंडिया में कौन से मिलते हैं। अभी हमने देखा कि पिग्मी हॉक पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, राइट। तो फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है जो नेचुरली इंडिया में मिलता है, फिर बताओ कौन सी है फॉलोइंग, राइट। भले उन्होंने पूछा नहीं कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड है या नहीं है, बट इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे स्पाइडर मंकी इसमें इंडिया में नहीं मिलता है ना, वो सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में मिलता है, तो उसको एलिमिनेट करो। तो है ना 1 2 3 हमें दिख रहा है कि सही ऑप्शन है यहाँ, ठीक है। इवन दो देखो अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था, नामदापा फ्लाइंग स्क्वेरल, वहां पे क्रिटिकल एंडेंजर्ड मिलती है, राइट, स्पीसीज। तो वहां के उस नेशनल पार्क पे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए स्पीसीज जब पढ़ो तो नेशनल पार्क पढ़ो, नेशनल पार्क पढ़ो तो स्पीसीज पढ़ो, है ना। मतलब काफी डेप्थ में अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हो या वहां का क्लाइमेट भी पढ़ लेते हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप अटेंड कर सकते हो। और बार बार ऐसे क्वेश्चन काफी बार हम देख रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल। एंड जो नेशनल पार्क के बारे में आपको अभी मैं बता रहा था, तो नेशनल पार्क का ऑलरेडी हम सेशन कंडक्ट कर रहे हैं ऑन मतलब पूरे नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सीरीज मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट की है अनअकैडमी ऐप पे स्पेशल क्लासेस में। तो जरूर वो क्लासेस को ज्वाइन करो एंड फ्रीली अवेलेबल है आपके लिए। तो आप मेरे प्रोफाइल पे आके देख सकते हो, सुमित कोंडे आप टाइप करना, यू विल गेट माई प्रोफाइल एंड स्पेशल क्लास में टाइप करके आप देख सकते हो कि ऑलरेडी हमने नेशनल पार्क वगैरह स्टार्ट किए हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया हमने कवर किया है, स्टेट वाइज नेशनल पार्क देख रहे हैं काफी डिटेल में, बहुत फायदा होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन बन रहे थे। अभी आज मैंने सिर्फ 3-4 क्वेश्चन आपके सामने रखे थे। तो बस उस सेशन को अटेंड करो रेगुलरली, जब भी होगा वो आपको वहां पे देखने को मिलेगा, या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो जहां पे नोटिफिकेशन मिलेगी। तो सिंपल आप टेलीग्राम पे सुमित सर नोट्स डाल देना, तो यू विल गेट माई चैनल ऑल्सो। बाकी फॉर सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज द कोड सुमित के लाइव। अभी एनवायरमेंट की बैच भी चल रही है तो आप वो अटेंड कर सकते हो। ओके, तो चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप सबको सेशन प्रॉपर समझ में आया है कि कौन से स्पीसीज है। तो मैमल में हमने देखा कि डिफरेंट श्रू के स्पीसीज थे, रैट एक है, नामदापा फ्लाइंग स्क्वेरल, मलबार सिवेट, हंगुल हमने देखा, फिग्मी हॉक पहले था बट अभी उसको निकाल दिया गया है। देन आफ्टर दैट हमने देखा जो बर्ड स्पीसीज थे वो मोस्टली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ज्यादा अच्छे से याद रखो, बंगाल फ्लोरिकन, साइबेरियन क्रेन एंड कुछ 4 वल्चर के हमने स्पीसीज देखे, हिमालयन क्वेल वगैरह देखा, तो इनको टारगेट करना। देन आफ्टर दैट रेप्टाइल में हमने देखा घरियाल को अच्छे से याद रखना है, लेदरबैक एक टर्टल एक इम्पॉर्टेंट है, बट वो अब निकाल दिया गया है, उसको वल्नरेबल में आता है। मतलब अच्छी बात है कि निकालना, मतलब अच्छी बात होती है कि जो इनका कंजर्वेशन हो चुका है, राइट। तो ये सारे स्पीसीज दिख रहे हैं। आफ्टर दैट हमने एक कोरल की स्पीसीज देखी, फायर कोरल, एंड आफ्टर दैट फिश में हमने देखा गैंजेस रिवर जो फिश है तो वो हमने देखे, मतलब शार्क देखी, Ganges shark, तो वो critically endangered, right? And now you can take Unacademy subscription, जो कि हमारी 17th of November से बैच स्टार्ट हो रही है, तो you can use the code Sumit K Live and you can get up to 50% off plus 6 month free extension, plus इसमें notes 2.0 भी फ्री आपको मिलेंगे, and जो following आपको UPSC optional बैचेस है उस पे भी आपको different offers मिल सकती है, just you can use the code Sumit K Live. Thank you all.